मसीसुके के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम मैं हूँ खुदा उनका ख़ादिम पास्टर यून सम सालम पी एम आई बाइबल कॉलेज की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जबूर की तफसीर के साथ आए अपने सर को झुकाएँ अपनी आँखें बंद करें दुआ मांगें वफादारी खुदा हम तुझे इज़्ज़त देते हैं हम तुझे जलाल देते हैं तू मुबारक है सदा मुबारक है अपने कामों की वजह से मुबारक है तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं हमारी बड़ी मदद फरमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे जबूर दो उसकी ग्यारहवीं आयत के हवाले से तो उसी पर बात होगी ग्यारहवीं आयत का दूसरा हिस्सा है कांपते हुए खुशी मनाओ आयत के पहले हिस्से में था डरते हुए खुदावंद की इबादत करो दूसरे हिस्से में है कांपते हुए खुशी मनाओ जबूर के तारफ में हमने इब्रानी शायरी के हवाले से बात की थी कि शायरी की जो पहली किस्म है उसमें यह है कि जो बात शेर के पहले हिस्से में की जाती है वही बात शेर के दूसरे हिस्से में की जाती है अल्फाज तब्दील होते हैं लेकिन जो मफूम है वो कायम रहता है तो यहां पर हम देखें बेशक ग्यारहवीं आयत एक आयत है लेकिन ये यूं इसको लीजिए ये एक शेर है और शेर के पहले हिस्से में हमने पढ़ा और सीख चुके हैं डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और इसी शेर के दूसरे हिस्से में है कांपते हुए खुशी मनाओ तो ये डरना और कांपना ये बिल्कुल सेम बात है खुदावंद का खौफ रखना खुदावंद का डर रखना इस पर हमने बड़ी तफसील के साथ सीखा है और हमने यहां तक इसको सीखा है कि ख़ुदांद का जो डर और खौफ है इसलिए नहीं कि खुदा कोई खौफ ज़दा चीज़ है बल्कि इसलिए ख़ुदांद का डर और खौफ है कि वो मोस्ट सीनियर है और वो आला खुदा है और अरफ़ा खुदा है और वो सुंदर खुदा है और वो मज्ज़ खुदा है वो बाप है वो अजीम बादशाह है और वो खालिक है और वह कादर है इसलिए उसका डर रखना उसका डर मानना ये बड़ा ज़रूरी है और मैं बात ये कर रहा था पहले भी कि ये डरने की जब हम बात करते हैं तो ये हम उससे डरते हैं जिसकी इज्ज़त करते हैं हम उसका खौफ रखते हैं जिसको हम मुआज़ जानते हैं डरने से मुराद यहाँ पर ये यह है और यहाँ पर कांपने का लफ्ज है कि जब तुम खुशी मनाओ तो कांपते हुए और ख़ुशी मनाते वक्त यहाँ पर लफ्ज़ जो है ख़ुशी का इस्तेमाल हुआ है और जगह पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और उसका तर्जमा ये ख़ुशी किया गया है या खुश होना किया गया है या शाद मान इसका तर्जमा किया गया है या फिर दिल शाद ये मुख्तलफ़ जगह पर इसका तर्जुमा हुआ है जिसका तलक ख़ुशी से है और हकीकी खुशी से है और बहुत बड़ी खुशी से है लफ्ज लिखा है खुशी मनाओ जैसा भी मैं बात कर रहा था कई जगह पर है शादमान हुआ तो इसके अंदर इस तरह का तस्वर पाया जाता है ऐसी खुशी जिसके लिए हम फूले ना समाएं ऐसी खुशी जिसके लिए हम झूमें और नाचें लेकिन यह बात मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि जब भी खुशी मनाते हैं खुदावंद को ना भूलें खुशी मनाई जाए सेलिब्रेट किया जाए कोई प्रोग्राम खुदावंद को याद रखा जाए खुदावंद से बाहर निकलकर खुशी ना मनाएं हदूद को क्रॉस करके खुशी ना मनाएं और खुशी मनाते मनाते खुदा की हजूरी से निकल ना जाए खुशी मनाते मनाते गुनाह के हल्के में इंटर ना हो जाए इसलिए लिखा है कांपते हुए खुशी मनाओ जब माशरे में हम लोगों को देखते हैं तो लोग खुशी के वक्त खुदा को भूल जाते हैं माशरे में जब हम देखते हैं लोग खुशी मनाते हैं तो लोग गुनाह के हल्के में दाखिल हो जाते हैं तो इसलिए ज़बूर इसने यहाँ पर ये कहा है कि कांपते हुए खुदावंद को याद रखते हुए खुदावंद को मद्देनज़र रखते हुए खुशी मनाएं और इसके लिए ये दो बातें मैं कहना चाहूँगा नंबर एक तो ये है कि खुदावंद को मद्देनज़र इसलिए रखना है कि खुशी मनाते मनाते अगर हम खुदा की रू से निकल कर गुनाह के हल्के में दाखिल हो गए तो ये बात गलत है और ये ठीक नहीं है वो खुशी हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं बल्कि परेशानी का बायस हो सकती है और खुशी हमारे लिए नुकसान का बायस हो सकती है इसलिए खुदावंद को ज़रूर मद्देनजर रखना है खुदावंद को याद करना है और अपनी खुशी मनाते मनाते खुदा की हजूरी से निकल कर के हल्के में इंटर नहीं होना माशरे को जब हम देखते हैं कई बार लोग खुशी मना रहे हैं और साथ शराब नोशी कर रहे हैं खुशी के मौका पर शायद रंग नाच हो रहे हैं शायद कोई और काम हो रहे हैं तो इस तरह से हम खुदा की हजूरी से निकल कर गुनाह के हल्के में दाखिल हो जाते हैं और ये ख़तरनाक बात है और ये अच्छी बात नहीं है दूसरी बात ख़ुशी के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद को याद रखना खुदावंद को मद्देनज़र रखना कि मेरी खुशी का जो माखज़ है वो खुदा है खुशी मुझे देने वाला मेरा खुदा है मेरी खुशी का जो बायस है वो खुदा है और ज़बूर ज़बूर नवीस, जबूर के अंदर ये फरमाता है कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जबूर की किताब में से ज़बूर, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और बड़ी खूबसूरत आयत है और यहां इसका इसके साथ वो रिलेटेड है जबूर स्तर है उसकी सातवीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं गाने वाले और नाचने वाले यही कहेंगे कि मेरे सब चश्मे तुझ ही में हैं जो गाने वाले हैं भाई खुशी का इजहार कर रहे हैं जो नाचने वाले हैं वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं तो गाने वाले और नाचने वाले और बजाने वाले और खुशी का इजहार करने वाले ये कहें कि मेरे सब चश्मे तुझी में है यानी जो मेरी खुशी है वो तेरी तरफ से है जो मेरी खुशी है वो मुझे तेरी तरफ से मिली है और तू खुशियों का मुंबा है और जो ख़ुशी मेरे पास है वो तेरी वजह से मुझे मिली है यहाँ पर जबूर सी ये कहना चाहता है कि हमारी खुशियाँ जो हैं वो खुदावन से वस्ता है ये दो बातें मैंने खुशी के हवाले से की है और तीसरी बात बड़ी फेमस है वो भी ज़बूर सौ में लिखा है खुशी से खुदावंद की इबादत करो ज़बूर सौ उसकी दूसरी आयत में खुशी से खुदावंद की इबादत करो और यहां ग्यारहवीं आयत जो हम जबूर दो की सीख रहे थे ग्यारहवीं आयत में उसके पहले हिस्से में था खुदामंद की इबादत करो और निचले हिस्से में कांपते हुए खुशी मनाओ यानी इबादत की जगह पर लफ्ज़ खुशी आ गया तो जबूर सौ दूसरी आयत में है खुशी से खुदामंद की इबादत करो तो अगर हमने उसकी इबादत करनी है उसके लिए गाना है उसके लिए बजाना है उसके लिए सिजदा रेज होना है उसके लिए झुकना है तो ये खुशी के साथ हो ये मजबूरन ना हो ये रवायती ना हो ये फर्जी ना हो ये आर्जी ना हो ये एक इसको हम बोझ फील ना करें और अगर हम खुदावंद के लिए गा रहे हैं खुदावंद के लिए बजा रहे हैं खुदावंद के लिए झुकने के लिए आए हैं तो ये शादमानी के साथ हो ये खुशी के साथ हो मजीद जबूर रवीस कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे क्यों युवा दे चली खुदावंत के घर में जाने के लिए वो खुशी की बात उसके लिए थी और वह खुश है हमने भी सीखा खुदावंत के लिए गाया जाए तो खुशी से के साथ बजाया जाए तो खुशी के साथ झुका जाए तो खुशी के साथ वक्त स्पेंड किया जाए तो खुशी के साथ और आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमने लफ्स इबादत के हवाले से बात करते हुए ये सीखा था कि लफ्स इबादत के अंदर ये कन्सेप्ट मौजूद है ये तासर मौजूद है कि खुदामंद को ओबे करना क्योंकि ये आबद का और अबद का काम है और ये जो काम है ये इबादत है और लघवी तौर पर हमने सीखा था कि इसका लफ्स जो उबरानी का लफ्स हमने सीखा है कि लघुवी तौर पर जो ब्रानी जुबान का लफ्ज इसके लिए इस वाल हुआ है उसका तर्जमा इबादत और खिदमत और ग़ुलामी किया गया है या कोई काम जो किया जाए इन मानों में उसको लिया गया है तो लिहाजा अगर हम खुदावंद को ओबे करते हैं किसी काम में भी तो ख़ुशी के साथ बे करें मजबूरी नहीं रस्मी नहीं बई रवायती तौर पर नहीं खुदावंद को ओबे करते हैं किसी काम में भी तो खुशी के साथ होबे करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम खुदावंद का पैसा खुदावंद को देने में ओबे करते हैं दा यकी खुदावंद को देने में अगर हम ओबे करते हैं तो ये खुशी से करना है ये मजबूरी नहीं करना इस तरह नहीं करना भी पारी साहब गुस्से उड़ के ना दाए की पेश की थी तो इसी तरह से पेश करना है खुशी के साथ कला में लिखा है क्योंकि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखा तो आप इबादत करते हैं खुशी से करें आप खुदावंद की कामल फराम बरदारी करते हैं खुशी से करें आप खुदावंद के लिए गाते और बजाते हैं खुशी से करें आप खुदावंद के लिए खसूसी वक्त स्पेंड करते हैं खुशी से करें या फिर खुदावंद को ओबे करते हैं किसी मामले में भी तो खुशी से अबे करना है और मैं आपको बताना चाहता हूं वो काम बड़ा खूबसूरत होगा और वो काम बड़ा अच्छा होगा जो खुशी के साथ किया जाए जो दिलचस्पी के साथ किया जाए जो पूरी तमन्ना आपके साथ किया जाए वही अगर खुशी से नहीं कर रहे तो क्या पूरी दिलचस्पी से होगा अगर खुशी से नहीं कर रहे तो क्या वो अच्छा होगा खूबसूरत नहीं होगा ये जरूरी है उसकी इबादत की जाए उसको ओबे किया जाए उसकी कामल फरमबरदारी की जाए उसके कलाम के सामने अपने आप को सरेंडर किया जाए उसके सामने अपने आप को झुकाया जाए तो उसको हमने पूरा करना है और ख़ुशी के साथ करना है कभी कभी हो सकता है आपने भी ये नोट किया हो कि खुदा का ये हुक्म मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मानना इसको ओबे करना मुश्किल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम करते हैं यकीन अजर है जब हम खुशी से करते हैं यकीन अजर है और फिर खुदा अजर देने वाला है तो ये ज़रूरी है कि इबादत ख़ुशी से करें उसको अबे ख़ुशी से करें और ख़ुशी जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो हमारी शख्सी है या ख़ानदानी है या कौमी है या इजुमाही है उसको खुदावंद को मद्देनज़र रखते हुए खुदांद को जानते हुए करें कि खुदावंद मौजूद है वाजबल वजूद है और खुदावंद अलीम अलीम खबीर है और वह सब कुछ देख रहा है तो ये बात बड़ी ज़रूरी है मद्देनज़र इसको रखना है कि खुशी मनाते हुए खुदा की हजूरी से निकल नहीं जाना खुशी मनाते मनाते गुनाह के हल्के में दाखिल नहीं हो जाना और ये बड़ी ख़तरनाक बात है इसलिए वो कहता है कांपते हुए खुशी मनाओ यानी खुदा को याद रखते हुए खुदावंद को मद्देनज़र नज़र रखते हुए और खुदावंद को हाजर और नाज़र जानते हुए और इस बात को जानते हुए कि खुदावंद मेरे एक एक फ़ेल से वाकफ़ है इसको मद्देनज़र रखते हुए तो यकीनन ऐसी खुशी होगी तो खुदा की उसमें शमूलियत हो सकती है लेकिन अगर ऐसी खुशी है जिसमें हम हदूद को क्रॉस कर जाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं तो यकीन फिर कई गुना हमसे सर दर्द हो सकते हैं बोलने के हवाले से और पीने के हवाले से और ऐसी चीज़ें खाने पीने के हवाले से जो ना जायज़ हैं हम खुदा की हजूरी से निकल सकते हैं और खुदा से दूर जा सकते हैं बड़ी खूबसूरत बातें हैं ये और आगे हम बढ़ेंगे मज़ीद इसी जबूर को और सीखने के लिए बारहवीं आयत में आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ बारहवीं आयत में लिखा है बेटे को चूमो ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है ये बारहवीं आयत है और पहले शुरू में लिखा है बेटे को चूमो तो इस पर हम थोड़ी बात करेंगे यहां पर ज़बूर के अंदर आपको अपने पिछले प्रोग्राम देखे हैं तो आपको याद होगा कि यहां पर ज़बूर दो के अंदर एक ममसू का तस्करा है और एक बादशाह का तस्करा है जिसको मसा किया गया था सल्तनत करने के लिए और आपको याद होना चाहिए जब खुदा किसी को मसा करता तो वो शख्स खुदा का ममसू कहलाता और इस मामले में आपको याद होना चाहिए कि बादशाह मसा किए जाते और काहिन मसा किए जाते और अम्बिया मसा किए जाते और जब भी कोई शख़्स मसा किया जाता उस पर खुदा की हजूरी ठहर जाती और वो शख़्स खुदा का ममसू कहलाता और मैं आपको बताना चाहता हूँ मसा करने के लिए इब्रानी जुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है माशिख और माशिख़ के मानी है मसा करना तेल से चुपड़ना तेल अंडेलना मुकरर करना चुनना इंतख करना और अलग करना और मालिश करना तो यहाँ पर एक ममसू का तस्करा है और वो बादशाह है जिसके ख़िलाफ़ लोग उठे तारीखी तौर पर हमने यही सीखा और इसके अंदर जो नबूती पहलू हम देखते हैं वो यसु मसीह की बड़ी ख़ूबसूरत तस्वीर हमें नज़र आती है शुरू में मैंने इस जबूर के शुरू में कहा था कि ये मसीहा जबूरों में से पहला जबूर है और यसु मसीह की खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है उसके यहाँ पर लफ्ज उसके लिए मसीह इस्तेमाल हुआ है इसमें माशिक का लफ्ज़ बरानी में इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा ममसू किया जाता है इसमें खुदांग ने फरमाया कि तू मेरा बेटा है और आज मुझसे पैदा हुआ इसमें उसके इख्तियार में के लोहे के असा से यहां उसके इख्तियार का भी तस्करा है कि लोहे के असा से तोड़ेगा ये आपको आठवीं में मिल जाएगा लोहे के सा का तस्करा और सातवीं में मिल जाएगा कि खुदामंद ने कहा कि तू मेरा बेटा है और जबूर के शुरू में उसकी दूसरी हाथ में मिल जाएगा खुदामंद उसके मसीह लिहाजा याद करें यसू मसीह की तस्वीर बड़ी खूबसूरत है यहां पर दूसरी आयत में खुदामंद और उसके मसीह यानी जो खुदामंद का मसीह है वो यीशु मसीह है फिर सातवीं आयत में कहा गया कि तू मेरा बेटा है और फिर आठवीं आयत में मिलेगा कि कौमों को तेरी मरास और फिर नौवीं आयत में है कि लोहे के असा का तस्करा है और ये सारी बातें यीशु मसीह पर लागू हैं सारी बातें सु मसीह की तरफ इशारा कर रही हैं। यहां पर आपको मिला है सातवीं आयत में खुदाम ने कहा कि तू मेरा बेटा है आपको याद होना चाहिए यस्सु मसीह खुदा का बेटा है यह बात हो रही है एद अतीक में यह बात हो रही है ना कि एद जदीद को अभी हम पढ़ रहे हैं बेशा क़ैद जदीद में ये कसरत के साथ है ये डिटेल के साथ है अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो खुदामंद के बेटे के हवाले से बात हो रही है और वो यीशु मसीह है इसके हवाले से मैं एक और आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ वो इम्साल की किताब है सुलेमान बादशाह की इमसाल के हवाले से उसकी किताब है और उसका बाब नंबर तीस उसकी आयत नंबर चार से पढ़ना चाहता हूं कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया किसने पानी को चादर में बांधा किसने जमीन की हदूद ठहराई अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम यहाँ पर बात हो रही है जमीन को बनाने वाले की दैट मीन खालक की बात हो रही है और उसके बेटे के हवाले से सवाल किया गया है कि अगर तू जानता है खालिक कौन है तो उसका नाम बता और उसके बेटे का नाम बता तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा के बेटे का तस्करा और खुदा के बेटे के हवाले से हम एदीक में से पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं अभी इमसाल की किताब में क्वेश्चन किया गया है कि बता आसमान पर कौन चढ़ा बता किसने अपनी मुट्ठी में हवा को बंद किया और किसने पानी को चादर में बांधा और यहां पर खालिक की बात हो रही है और उसके बेटे यीशु मसीह की बात हो इसलिए यहां पर कहते है बेटे को चूमो बेटे को चूमो यहां पर यही लफ्ज है बेटे को चूमो बेशक यहां पर यह नहीं लिखा कि खुदा के बेटे को चूमो लेकिन भाई सातवीं आयत को साथ लेकर चलें इस आयत के सियाको सबाक को देखकर चलें इस आयत की बैकग्राउंड की आयस को देखकर चले जैसा मैंने कहा कि दो के शुरू में दूसरी आयत में आया है खुदावंद और उसका मसीह यसुमसी का तस्करा है फिर आया है खुदावंद के खुदामंद ने उसको अपना बेटा कहा फिर आया है लोहे के असा का तस्करा और अभी आखिरी आयत में हम पढ़ रहे हैं बेटे का तस्करा लिहाजा ये, ये मसीह की बात है इस पर मजीद हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में वक्त और प्रोग्राम के ख़त्म होने का मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ मजीद कलाम को सीखने के लिए देखते रहिए पी एम आई टी वी